मेरी डेली वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकन को दबाइए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली नदीम अब्बास बारा को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पीटीआई के नदीम अब्बास बारा को डेरे पर फायरिंग और पुलिस पर तशद्दुद का अज खुद नोटिस ले लिया। इस मौका पर आईजी पंजाब सैयद कलीमुल्ला और दीगर अफसरान अदालत के रूबरू पेश हुए और बताया कि अहलकारों पर तशद्दुद करने वाले 50 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात के तहत कदमा दर्ज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने मामले पर अज खुद नोटिस लेते हुए तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब एमपीए नदीम अब्बास बारा को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। वाजे रहे कि गुज़िश्ता रोज पुलिस एहलकारों की एक टीम तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली नदीम अब्बास बारा के डेरे पर पहुंची तो एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वर्दियां तक फाड़ी गईं, जिसके बाद मुलजम फरार हो गए। मेरी डेली वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकन को दबाइए।